नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। माँ महामाया और माँ समलाया से जुड़ी मान्यता बेहद ही रोचक है। जानकार बताते हैं, मराठा यहाँ से मूर्ति ले जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वह मूर्ति उठा नहीं पाए और माता की मूर्ति का सिर उनके साथ चला गया। माता का सिर बिलासपुर के पास रतनपुर में मराठों ने रख दी। तभी से रतनपुर की माँ महामाया की महिमा भी विख्यात है। माना जाता है कि रतनपुर और अंबिकापुर में माँ महामाया के दर्शन बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। क्वार के महीने की शारदीय नवरात्रि में छिन्नमस्तिका महामाया के सिर का निर्माण राज परिवार के कुम्हार हर साल करते हैं। ऐसे कई रहस्य महामाया मंदिर से जुड़े हैं, जिससे बहुत से लोग अनजान हैं। सरगुजा राज परिवार और इतिहास के जानकार गोविंद शर्मा बताते हैं कि माँ महामाया मंदिर का निर्माण सन 1910 में कराया गया था। इससे पहले एक चबूतरे पर माँ स्थापित थी और राज परिवार के लोग जब पूजा करने जाते थे तो वहाँ बाघ बैठा रहता था। सैनिक जब बाघ को हटाते थे तब जाकर माँ के दर्शन हो पाते थे। जिस प्रतिमा को माँ महामाया के नाम से लोग पूजते हैं, दरअसल पहले इनका नाम समलाया था। महामाया मंदिर में ही दो मूर्तियां स्थापित थी। पहले महामाया को बड़ी समलाया कहा जाता था और समलाया मंदिर में विराजी माँ समलाया को छोटी समलाया कहा जाता था। बाद में जब समलाया मंदिर में छोटी समलाया को स्थापित किया गया, तब बड़ी समलाया को महामाया कहा जाने लगा। तभी अंबिकापुर के नवागढ़ में विराजी माँ महामाया और मोवीनपुर में विराजी माँ समलाया की पूजा लोग इन रूपों में कर रहे हैं। महामाया और समलाया मंदिर में दो दो मूर्तियां होने का कारण इतिहासकार गोविंद शर्मा बताते हैं कि दोनों ही मंदिरों में देवी को जोड़े रखना था, इसीलिए सरगुजा के तत्कालीन महाराज रामानुज शरण सिंह देव की माँ और महाराज रघुनाथ शरण सिंह देव की पत्नी भगवती देवी ने अपने मायके मिर्जापुर से उनकी कुल देवी विंध्यवासिनी की मूर्ति की स्थापना इन दोनों मंदिरों में कराई। तब से महामाया और समलाया के बगल में विंध्यवासिनी को भी पूजा जाता है। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज़।